नमस्कार दोस्तों, ये जनवरी का एक सुहावना दिन है और बदली छाई हुई है। 5 जनवरी 2023 का दिन है और आप देख सकते हैं काले बादल घिरे हुए हैं, ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। और मैं आपको बनी खेत दिखाता हूँ। आज बहुत ही सुंदर टाउन है जो चंबा के रास्ते में है, बनी खेत, एक स्थान जहाँ से डलहौजी के लिए भी रास्ता जाता है, किलाड़ के लिए भी और चंबा के लिए भी। आप आगे जाकर किलाड़ होते हुए स्पीति वैली जा सकते हैं, लाहौल स्पीति और डलहौजी और चंबा, चंबा से भरमौर, होली, बड़ा भंगाल, कुगती, एक छोटा सा प्यारा सा टाउन है। मैं 2007 से यहाँ आता रहा हूँ। 2008 की शुरुआत में मेरी पोस्टिंग हुई थी 70 मेगावाट की बुद्धिल जल विद्युत परियोजना में, और उसके बाद मैं बाहर चला गया। फिर 2020 में वापसी हुई, तब से मैं यहीं पर हूँ, कुठेड़ जल विद्युत परियोजना में, और इस छोटे से टाउन से अक्सर गुजरता रहा हूँ। तब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, व्लॉगिंग नहीं होती थी, हम फोटोग्राफ्स रखते थे, वीडियोज़ का उतना चलन नहीं था। अब वीडियोस बनते हैं, अपलोड होते हैं और मेमोरी में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तब टाउन कैसे दिखा करते थे, आज से 500 साल बाद इस टाउन की तस्वीर निश्चित रूप से बदल गई होगी। दोस्तों, ये बनीखेत बाज़ार है और जो चौक आता है, चौक से दाहिने ओर एक रास्ता डलहौजी को चला जाता है और बाईं ओर जो रास्ता है, बाईं ओर का रास्ता चंबा की ओर चला जाता है। अब हम बनीखेत के मुख्य चौक में पहुंचने वाले हैं और ये छोटा सा वीडियो है। मैं आपके लिए बड़े ब्लॉग भी लेकर आता हूं और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जिसमें आप पहाड़ी कस्बों की सुंदरता देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों पर अक्सर इकहरे रास्ते होते हैं और ड्राइविंग टफ होती है, आपको यहाँ पर मास्टर होना पड़ता है बिल्कुल संकरे रास्ते से गाड़ी निकालना। और ये जो आगे आ रहा है, ये बनीखेत का मुख्य चौक है। यहाँ से जो दाहिनी ओर को रास्ता कट रहा है, ये डलहौजी चला जाता है, और इस चौक से जो बाईं ओर मैं जो कि चंबा की ओर मुड़ चुका हूँ, ये रास्ता चंबा चला जाता है। आगे चंबा के पहले एक रास्ता बाईं ओर कटता है जिससे आप तीसा होते हुए किलाड़ अर्थात स्पीति वैली जा सकते हैं, लाहौल स्पीति। सो बहुत ही सुंदर स्थान है बनीखेत, और मुझे बहुत पसंद है पहाड़, मुझे हमेशा पसंद रहे, पहाड़ों में ही मेरी नौकरी रही। लगभग पिछले 2 दशक आप कह लें या उससे भी ज़्यादा समय मैंने पहाड़ों पर ही बिताए हैं, और मुझे पहाड़ों की एक तरह से कहें तो आदत हो गई है। मैदानों में जाने में परिवार से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का सुख तो होता है, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ और जो वहाँ का वातावरण है, जो प्रदूषण है, वो मुझे बहुत परेशान करता है और अक्सर जी करता है कि पहाड़ों पर लौट चला जाए। और मेरी ज़िंदगी के लगभग 48 सालों में 20 साल के आसपास तो मैंने पहाड़ों पर गुजार ही दिए, ना कभी एसी की ज़रूरत हुई, ना कभी स्वास्थ्य में कोई कमज़ोरी महसूस हुई अच्छे वातावरण के कारण। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ पहाड़ अपितु प्रत्येक स्थान पर पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हम कार्य करें। और दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि ये बनीखेत टाउन अब पार हो गया और बनीखेत को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इसके आउटस्कर्ट्स में पहुंच रहे हैं जो कि चंबा की ओर है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास चंबा है, मैं बिल्कुल पक्का नहीं कह रहा हूँ, लगभग आप मान लें। और दोनों तरफ आप देखें चीड़ के ये सुंदर पेड़ और ये चौड़ा रास्ता, ये रास्ता हमेशा यहाँ चौड़ा रहा, NHPC ने ये सड़क बना कर दी, बाथरी तक बहुत ही अच्छी सड़क है। उसके बाद अब चंबा तक भी सड़क चौड़ी हो रही है और इसे NH का दर्जा प्राप्त है, NH 154A। बहुत ही सुंदर दृश्यावली है, आप देखें दोनों, हम खो जाते हैं। मुझे तो ड्राइविंग बहुत पसंद है यहाँ, हालांकि अब थकने लगा हूँ, पहले तो मैं बहुत लंबी ड्राइविंग करता था, अब थोड़ी थकान होती है, फिर भी स्टेमिना इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।